हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम चैप्टर 2, और इस गेम को जो है भाई मैंने पिछले वीडियो में खेला था और वो जो है हार्ड मोड था, और हार्ड मोड में भाई मैं स्केप ही नहीं कर पाया, और जबकि मेरे को स्केप पता भी था, मतलब क्योंकि मैं इस गेम को जो है पहले ही समझ चुका था, क्योंकि मैं जो है इसमें प्रैक्टिस मोड में खेल के पहले ही समझ जाता हूँ गेम को। तो आज जो है मैं इसमें नॉर्मल मोड में खेलने वाला हूँ, और मैं जो है इस गेम को हार्ड मोड में नहीं, इस बार जो है नॉर्मल मोड में खेलने वाला हूँ, क्योंकि हार्ड मोड जो है थोड़ा बहुत तो कठिन है। तो पहले जो है मैं नॉर्मल में ट्राई करूंगा और फिर जो है मैं हार्ड मोड में ट्राई करूंगा, क्योंकि उस टाइम जो है मेरा कॉन्फिडेंस इतना हो गया था ना, क्योंकि आइसक्रीम 1 पार करने के बाद कॉन्फिडेंस मेरा 7वें चरम पे था। तो अब जो है मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि अब जो है मैं नॉर्मल में खेलूंगा। और ये सामने जो है मेरी विंडो है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल तो हमने देख ही रखा है, तो इसे जो है यहाँ से हटा देते हैं। ट्यूटोरियल मतलब क्या, कटसीन देख रखा है, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये ब्लैंकेट लेनी है और ये यहाँ पे जाके जो है विंडो में लगा देनी है, और ये जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ से पहले मैं स्लिंग शॉट ले लेता हूँ, क्योंकि आगे चल के इसका काम तो आएगा ही आएगा। तो अभी जो है मैं इधर से नीचे उतर चुका हूँ। भाई ये पता नहीं क्या है, इधर अपने दरवाजे से क्यों नहीं आ सकता है, भले ही अपने घर में ही अपने दरवाजे से नहीं आ सकता है, तो पता नहीं क्या ही बंदा हो गया। वो अंकल तो चले गए हैं, और इधर पर मैप उठा देता है। अंकल चले गए क्या, मतलब अभी साउंड सुनेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन पहले मैं इधर पे लगा लेता हूँ। और अभी चलते हैं सीधा इधर से सर्कस में चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि इधर पे सर्कस में जो है मेरे को क्योंकि सर्कस में मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि उधर पे जो है मेरे को कैट का फूड मिल जाएगा, और पहले जो है मैं कैट का ही काम कर दूंगा। और ये मार्च 1954, ये और ये शायद जो है आइसक्रीम अंकल की कहानी है, क्योंकि उसे सब चबी चबी बुलाते थे शायद, या तो उसका बेटा हुए। तो इसे स्किप कर देते हैं, ये देख के कोई फायदा नहीं है। भाई इधर सबसे पहले तो डस्टबिन चेक करना पड़ता है, और कुछ चेक करो ना करो, क्योंकि डस्टबिन में जो है हमें स्पेशल कार्ड मिल जाता है। और ये देखो मेरे को आते ही मिल गया, और वो जो है मेरे को सीधा मिल गया। और इधर पे ये मोटा खड़ा हुआ है, भाई ये मोटा तो ये गन नहीं देगा इतनी जल्दी, तो माइक है वैसे तो ये। और इधर से ये आर्केड मशीन में जो है हमको ये 3 चांस मिलते हैं खेलने के लिए, इसे पार करने के बाद जो है वो मोटा मेरे को गन देगा अगर स्कोर मैंने उससे ज़्यादा किया। अच्छा ये तो रहा वो घर, अबे वहीं से आइसक्रीम अंकल आ रहे हैं। चलो इस बार तो ये भाग भी नहीं पा रहे हैं, भाई चल रहा है खाली, मून वॉक कर रहा है क्या, शायद ये मून वॉक ही कर रहा होगा, लेकिन भाई इसे कुछ ज़्यादा मजे नहीं लेने। इधर अंदर पे चलते हैं चुपचाप से अपना। मेरी गेम थोड़ी बहुत तो लैग हो गई थी भाई, मेरे को तो एकदम से डर लग गया, बस ये साउंड सुन के अंदर ना आता हो। वो कैट फूड पहले मिल गया, बढ़िया। और इसे फेंक लेते हैं बाहर पे, फेंकता नहीं हूँ वैसे इधर, अरे उसने कहाँ देख लिया, अच्छा वो तो रहा वो। तो अभी जो है मैं इसे फेंकता नहीं हूँ, इसे जो है सीधा गाड़ी में फेंक के आता हूँ, क्योंकि फेंकना तो पड़ेगा भाई गाड़ी में। चलो ठीक जगह तो मैंने इसे फेंक दिया है, कोई बात नहीं, साउंड नहीं आती होगी तो। और इधर से पहले मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, और ये जो है हैंडल होता है जिसपे जो है हम अपने कपड़े टांगते हैं। टॉप फ्लोर से जो है मेरे को इधर पे बंदर की तरह उछलना पड़ेगा, और इसे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, बस ये था भाई इसमें। और मैंने जो है अभी ये वाला गेट तो खोल दिया है, अब इसका कुछ काम नहीं है। और पहले जो है इसे हल्का सा पुश करते हैं इस केज को, और पुश करने के बाद जो है इधर पे एक गेट मिल जाएगा, और फिर जो है इस गेट से नीचे चलते हैं। और ये जो है मैं पता नहीं कौन सी जगह में पहुँच चुका हूँ। और ये जो है यहाँ पे गैस का सिलेंडर है, और ये मेरे को निकालना पड़ेगा स्क्रू की मदद से, और स्क्रू जो है मेरे को पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। भाई इसकी दोस्त क्या बोलती है, अगर ये बाहर निकल गई ना इसको इतना पीटूंगा ना मैं, पहले तो ये खुद गलती करती है और फिर बाहर निकलने के लिए इतना तड़प रही है। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिमेट्री में तो मैं पहुँच गया। अब कैट फूड तो ले लूँ, भाई मैं ऐसे ही चल रहा हूँ मुँह उठा के बिना कैट फूड लिए, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। चलो यहाँ पे फेंकना है वैसे इसे, चल भाई आ जा फटेक सा। ये तो ये बिल्ली इतनी आलसी है ना, इतना टाइम लगाती है, चल इसमें आ जा भाई। मैं बिल्ली को ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, क्या पता वो लवारिस बिल्ली हो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ मेरे को किधर जाना था, सिनेमा में जाना था भाई। वो अंकल अपने धुन में रहते हैं और नशे में रहते हैं अंकल। इधर से एक क्लॉक उठा लेते हैं, रियल वाली, वो भी अभी रियल वाली तो बिल्ली है, तो एक क्लॉक भी रियल ही होगी, मैं भी ना पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। और इधर पे जो है सबसे पहले मेरे को टूल बॉक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि टूल बॉक्स में जो है मेरे को कुछ ना कुछ काम का सामान तो मिलेगा। और ये क्या अचार, इसमें जो है अचार भी रखा होता है, अचार का पता नहीं क्या ही काम होता है, तो अंकल के मुंह पे मार देते हैं।
बच्चा चोर पता नहीं है कैसा, और ये टूल बॉक्स मिल गया, लेकिन टूल बॉक्स में कुछ नहीं है। मतलब गेम वाले भी ना कभी कभार बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। चलो मिल तो गया मेरे को। अबे खुल जा भाई, क्या हो गया? चलो ये खुल तो गया, और यहाँ पे मेरे को जो है बेंच मिल गया। अबे अंकल मेरे जस्ट पीछे थे भाई। अच्छा हुआ ऐसे मैं जो है हार्ड मोड में नहीं खेल रहा था, अगर हार्ड मोड में खेल रहा होता ना। अबे यार चलो, मेरे को लगा ये अंकल आएंगे तभी मैंने अभी यार बोला। अभी मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा? अभी जब मैं सर्कस में चलता हूँ भाई, मैं भी ना इतनी सी चीज़ें भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। बुलक मैं जो है इतनी चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। बुलक्कड़ हूँ भाई मैं एक नंबर का। इधर में जो है मैं पहुँच चुका हूँ। इधर से जो है मेरे को ये स्क्रू खोलने पड़ेंगे। अच्छा इसी से खुलेंगे ना, मेरे को लग ही रहा था इसी से खुल जाएंगे। चलो भाई ये जो है मैंने खोल दिया है। भाई अंकल को तो आवाज़ गई नहीं होगी, क्योंकि अंकल जो है इधर पे बहरे हो चुके हैं, क्योंकि नॉर्मल मोड में जो है अंकल बहरे हो जाते हैं। चलो बहरा हो रखा होगा वो, और वो जो है घर पे गया होगा अलग ही अपनी पार्टी करने के लिए। हाँ मैं वॉचिंग कर रहा हूँ आपको। चलो इधर पे जो है मेरे को प्लायर तो मिल जाएगा। अंकल इधर नहीं आना। चलो अंकल तो उधर आगे जा रहे होंगे। भाई इस बंदे का नाम लो ना, सीधा हाजिर हो जाता है ये। 100 साल जिएगा भाई ये बंदा। इसकी हंसी भी इतना दग आती है ना मेरे को। अंकल इधर नहीं आना, मैं तो पहले बता रहा। अबे यहीं पे है वो भाई, मेरे पीछे था वो, उसने मेरे को मारा भी नहीं। चलो भाई अंकल जस्ट ऊपर सो रखे हैं। अंकल मैं आपके नीचे से ले गया, यूं कहो तो हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं नाक के नीचे से ले गया। भाई मैं इसके नाक के नीचे से ही ले गया, वैसे तो कुछ और चीज़ मत समझना, नाक के नीचे से क्या चीज़ ले गया। सेमेट्री में जाना होगा वैसे तो, और अब जो है मेरे को सेमेट्री में यहाँ पे माचिस भी मिल जाएगी। और ये कौन सा कट सीन आ गया? अप्रैल 1954। You and I are the same. भाई इस बच्चे को ना बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता है भाई स्कूल में, चबी चबी, और ऐसे मतलब चिढ़ाया जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता। भाई ये अंकल जो है इस बच्चे को इतना ज्यादा बिगाड़ रहे हैं ना। भाई मैं उतना इस अंकल के एक दो दो धरी देता मत्थे पे, लेकिन भाई इसको बिगाड़ दिया, और इसका जो मतलब अच्छा वाला दिल था वो भी इसका खत्म कर दिया। इसमें जो है इवलनेस भर दी है। अब इसको भी बोल दे तू भी आइसक्रीम बेच मेरी तरह, और बच्चों को मार। भाई ये अंकल अलग ही है मैंकर, यानी कि बच्चों को थोड़ी बहुत मोटिवेशन देते। भाई अंकल अब चुपचाप से वो कैंडल जलाने चले जाना। सुभाष अंकल थोड़ा बहुत तो दिमाग है ही वैसे आप में। भाई मेरे पीछे आना था इस बंदे को। इधर पे अपनी माचिस दो। अच्छा वो तो रे वो अंकल, और इसको मैं फेंकता हूँ इधर पे, क्योंकि माचिस का काम इधर पे ही होगा तब। और इधर से उठाना है मेरे को सिलेंडर। अबे चुप हो जा भाई, मार दूंगा मैं सिलेंडर फेंक के, फूट जाएगी अंदर पे ही। अबे अंकल यार आप भी ना बस। चलो अच्छा ये जो है इधर पे प्लेस करना होगा अभी, लेकिन मैं इसमें प्लेस कैसे? चलो हो गया। अभी अलार्म क्लॉक ले लेता हूँ भाई। हेलो अंकल कैसे हो आप? भाई इसके साथ मैं कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा हूँ। मेरे को तो लगता है ये मेरे को मार भी नहीं पाएगा, एक बार तो मर ही लेता हूँ। वैसे इसको भी लगेगा चलो किसी ना किसी ने तो मेरे को मार ही दिया। चलो ये जो है मैंने इधर पे लगा दिया है, वो ये भी ऑन कर दिया मैंने। अब क्या ये फूट जाएगा ना? चलो भाई फूट गया है। काश अंकल होते उधर पे, अंकल भी फूट जाते। अंकल वो देखो मैंने उधर पे पटाखा फोड़ दिया, डायनामाइट फोड़ दिया मैंने उधर पे। जाओ उधर। मतलब आज तक मैंने कोई इतनी ईजिली गेम कोई स्केप की होगी, नहीं तो मैं सब हॉरर गेम में डरता था इतना। परफ्यूम इधर पे मिल गया। हेलो अंकल की हाल चाल? भाई अभी इस बंदे को देना है ले भाई परफ्यूम लगा। What's up, Jay? लौंडिया गिरी करो। I have a rare piece that I found out there. ठीक है, प्रीटी बोल रहा है भाई। Super मेरे को cool. पता था इसके विचार और हाव भाव बहुत ठीक sure. नहीं है। I could do something with this. चलो इसने मेरे को कुछ चीज तो दे दी है, और ये जो है उधर पे जाके लग जाएगी। भाई एक तो ये अंकल पता नहीं क्या हंसते रहते हैं ऐसे। अबे उसने देख लिया यार फिर से, शिट। और मैं जो इधर पे छुपा रहता हूँ, और एक केज की की मिल गई मेरे को। अभी मैं थोड़ी देर छुपा रहता हूँ, क्या पता अंकल तब तक चले जाएं। मेरे को तो लगा केज की भी खो दी मैंने।
उधर पे चलते हैं पहले इधर पे नेबरहुड में, क्योंकि इधर पे जो है मैं इसको स्केप कराऊंगा। चलो अब इधर पे स्केप तो होने वाली है। अबे हो गई अब तो ये स्केप, खोल तो दिया मैंने उसको केज। चलो इधर पे अपना बंदा तो कूद गया। अबे ये क्यों नहीं कूद रही, कूद। अबे वो आइसक्रीम के पीछे चली गई भाई, वो अब उसे फैक्ट्री में ले जा लेगा। भाई ये लड़के भी कतई नूब है। और ये बंदा परफ्यूम देगा मेरे को, लगी रहता है ये लॉन्डेगरी करने के लिए परफ्यूम लेगा मेरे से। अच्छा ये इस मोटे की बहन है, मोटे की बहन मोटी, दोनों की जोड़ी तो ठीक है। देखा मेरे को लगता था ये लड़के के इधर, इस लड़के के इधर ठीक नहीं है। अच्छा ये लीज है इस लड़की का नाम, और यस या नो। भाई ये बंदा पढ़ाई लिखाई की उम्र में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो चलो अब जो यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, एग रखे हुए हैं, तो शायद ये आइसक्रीम 3 की शुरुआत होगी यहाँ से, और यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और मैंने जो है भाई ये नॉर्मल में तो स्केप कर दिया है, मैं जो इसमें हार्ड में भी स्केप करूंगा, और वो जो है बाद में करूंगा मैं। और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।